हेलो एवरीवन, इस वीडियो में थोड़ा जेमस्टोन के बारे में बात कर लेंगे। आपको बहुत इंटरेस्ट मिलेगा, अलग टाइप का टॉपिक है। और जेम ज्वेलरी ये सब तो सभी को ही अट्रैक्ट करता है, और ये जस्ट 15 मिनट में आपको पूरा एक क्रिस्प आइडिया मिल जाएगा जेमोलॉजी के बारे में। जेमोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ जेम स्टोन, जो भी कीमती प्रीशियस सेमी प्रीशियस स्टोन होता है ना, उसको जिस अध्ययन होता है, जिस सब्जेक्ट, उसी को बोला जाता है जेमोलॉजी। ये एक अलग ही दुनिया है, बहुत मजेदार दुनिया है, बहुत इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स जुड़ा रहता है। देखो, एक एक जेम स्टोन का एक एक अलग अलग एक्सप्लोरेशन स्ट्रेटेजी रहता है। कितना सारा जेम स्टोन हो सकता है आप बिलीव नहीं करोगे। और मेटालिक, नॉन मेटालिक, ऐसे बहुत सारा टाइप का रहता है। ये ऑर्गेनिक जैसे कि कोरल, पर्ल, बहुत सारा रहता है। आप इसको ले एक सिंगल वीडियो में हर चीज के बारे में पूरा डिटेल होना पॉसिबल नहीं, लेकिन फिर भी वही इस वीडियो का मजा है कि ये वीडियो का पहले और ये वीडियो खत्म होने के बाद अब खुद खुद को पूछना कितना कुछ एक साथ एटलीस्ट 15 मिनट में फ्रूटफुली जान पाया। सो लेट्स बिगिन। एक्चुअली जेमस्टोन क्या है? जेमस्टोन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, क्या क्या नाम से जाना जाता है? फाइन जेम, ज्यूएल, प्रीसियस और सेमी प्रीसियस स्टोन, ऐसा एक एक जो जैसा बोलता है, ठीक, ओवरऑल ग्रुप को जेम स्टोन बोला जाता है। देखो अभी स्क्रीन में जो कितना कितना सुंदर सुंदर पत्थर रखा हो ना, ये पत्थर ही तो है या क्या है, वही वही जानना है, ठीक है? पत्थर है या मिनरल है, क्या है? मिनरल मतलब क्या है? नेचुरली ऑकरिंग इनऑर्गेनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड विथ डिस्टिंक्टिव फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है? इनऑर्गेनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड होना है, तो ऑर्गेनिक भी हो सकता है ना, दैट मीन्स मिनरल, मिनरलॉयड, दोनों टर्म एप्लीकेबल है जेम के लिए, ठीक है? मिनरलॉयड मतलब जो मिनरल का सब, मिनरल का डेफिनेशन क्या है? नेचुरली ऑकरिंग इनऑर्गेनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इतना सारा पॉइंट में से कोई एक पॉइंट सपोज फुलफिल नहीं हो रहा है, बाकी सब कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल हो रहा है। जैसा कि सपोज क्रिस्टलाइन नहीं है लेकिन बाकी सब है, या फिर इनऑर्गेनिक नहीं है, ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड है, तो उसको मिनरलॉयड बोलते हैं। जो मिनरल का डेफिनेशन का जो जो मेन मेन क्राइटेरिया है वो टोटली फुलफिल नहीं हो रहा है, पार्शियली फुलफिल हो रहा है, उसको मिनरलॉयड बोला जाता है। जैसे कि यूरेनियम का भी, यूरेनियम का एक होता है पिच ब्लेंड, एक यूरेनिनाइट जनरली बोलते हैं। तो यूरेनिनाइट बहुत अच्छा क्रिस्टल बनाता है, तो बात है कि यह दोनों यूथ्रियोइट, लेकिन पिच ब्लेंड का क्रिस्टलाइन फॉर्म नहीं रहता है, इसीलिए पिच ब्लेंड को मिनरलॉयड बोलता है। सिमिलरली जेमस्टोन में भी ऐसा बहुत सारा टाइप का रहता है, मिनरल रहता है, मिनरलॉयड रहता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल रहता है। एनीवे, तो यहाँ पे देखो टोटल 6 पत्थर देख रहे हो। सपोज पत्थर मतलब ऐसे ही टर्म बोल रहा हो, ये क्या है? देखो लाल कलर क्या है, ब्लू कलर कितना सुंदर है, ग्रीन कलर कितना कलरफुल है, देखो। तो ये क्या है? देखो ये, देखो ये रूबी है, रूबी क्या है सब बोलूंगा, ये सफायर है, ठीक है, ये एमिथिस्ट, इमरल्ड, डायमंड, जर्कन, ये सब बहुत प्रीशियस स्टोन है, ठीक। इससे थोड़ा कम प्रीशियस को बोलता है सेमी प्रीशियस, ऐसा डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक। इधर देखो, आपको देखने से डिजलिंग लगेगा, ये क्या है? अलेक्जेंड्राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक अलग टाइप का चीज है बोलूंगा। ये भी अलेक्जेंड्राइट का कैट्स अलग टाइप का है, अल्मंडाइन गार्नेट, एम्बर। एम्बर क्या है? ये देखो गाच ट्री से बनता है, ट्री का जो ग्लू होता है, गम होता है ना, कुछ कुछ पर्टिकुलर ट्री में, सपोज काट दो गाच का एक पेड़ का एक ब्रांच काटोगे तो जो ग्लू स्टिकी मटेरियल निकल के आता है ना, तो वही फॉसिलाइज्ड होके रेजिन धीरे 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 ऐसा पत्थर जैसा हार्ड हो जाता है। एमिथिस्ट है, जर्कोन, जी जर्कोन का डिफरेंट कलर हो सकता है, सब बोलूंगा बेस्ड ऑन इम्प्योरिटी। सो फिलहाल एक चीज देखो, सबसे इंटरेस्टिंग क्या है ना, 3,500 से भी ज्यादा, अभी तो और भी बढ़ रहा है दिन ब दिन, इतना सारा टाइप का मिनरल एग्जिस्ट करता है दुनिया में हमारा, है ना, लेकिन उनमें से जेम कितना है? फ्यूअर देन 100 मिनरल्स आर कंसीडर्ड टू बी जेम्स। इसको एक ही साथ बोला जाता है प्रीशियस जेम स्टोन ऐसा करके, ठीक। सो अगर इसको प्रॉपरली डिफाइन करोगे क्या बोलोगे? देखो जेम्स आर ड्यूरेबल, पत्थर जैसा ना, हार्ड तो होना है, ड्यूरेबल, ब्यूटीफुल, ये फर्स्ट टाइम में साइंटिफिक इसमें फीलिंग्स वाला चीज व्यक्त करना पड़ रहा है। ब्यूटीफुल तुमको बोलना ही है, समवट रेयर,
कोई भी चीज रेयर होने से तभी तो उसका वैल्यू बढ़ता है ना, हमेशा इधर उधर मिल जाएगा तो उसका वैल्यू नहीं रहता है ना। सो रेयर होना है, सॉलिड सब्सटेंस दैट विथ प्रॉपर कट पॉलिश मे बी यूज्ड एज ज्वेलरी और फॉर ऑर्नामेंटेशन। ठीक है, प्रॉपर कटिंग प्रॉपर पॉलिशिंग वो तो जरूरत होता ही है, बट कोई भी पत्थर को लाके कटिंग करोगे पॉलिश करोगे इतना ब्यूटीफुल होगा? नहीं होगा, है ना। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ जेम। ठीक है, सो ओवरऑल क्या करना, क्या क्या पॉइंट ये करोगे, ड्यूरेबल ब्यूटीफुल समवॉट रेयर सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है, विथ प्रॉपर कट एंड पॉलिश से इट कैन बी यूज एज ऑर्नामेंट एंड ज्वेलरी। ठीक है, एंड मिनरलॉइड क्यों बोलता है, जेम्स का डिफरेंट वेराइटी रहता है, मिनरल जेम, मिनरलॉइड जेम। मिनरलॉइड जेम्स आर दोज विच आर नेचुरली ऑकरिंग सॉलिड्स दैट लैक वन ऑफ द, जो अभी ऑलरेडी डिस्कस किया ना, जैसे कि इधर देखो इसका भी रखने का एक पर्पस है, हिरन डियर एंटलर्स, इसका जो हॉर्न है ना, या फिर हाथी का जो दांत होता है ना आइवोरी, ये सब भी जेम के हिसाब से यूज होता है, पता है ये जो है। ठीक है, एनीवे हमारे चैनल को आप चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऑटोमेटिक आया बेल आइकन दबा सकते हैं। नाउ ये जो हिरन का जो ये होता है ना स्टैग होता है ना, जो रॉयल स्टैग सुने हो ना, तो कोई भी स्टैग में बहुत सारा टाइप का डिजाइन होता है एंड उसको काट के बहुत लोग बहुत सारा टाइप का यूज करते हैं। सो ये सब मिनरलॉयड है बिकॉज जैसे कि ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस ना, जेम्स एम्बर आइवरी पर्ल्स ये सब मिनरलॉयड है, ये सब ऑर्गेनिकली डिराइव्ड है। पर्ल्स मतलब तो पता है ऑयस्टर से आता है ना, खुलने से धीरे धीरे बनता है ना। एम्बर क्या है, फॉसिलाइज्ड रेजिन होता है, बहुत नॉन क्रिस्टलाइन एंड इनऑर्गेनिक, देखो ये कैरेक्टर है तो मिनरल का कैरेक्टर फुलफिल नहीं हो रहा है, हैविंग फॉर्म फ्रॉम आइदर ये प्लान मटेरियल से है। एम्बर आइवरी इज नॉन क्रिस्टलाइन एंड ऑर्गेनिक फॉर्मिंग द टस्क ऑफ लार्ज एनिमल्स, हाथी को स्लॉटर करके, हालांकि बहुत गलत है दुख लगता है, बट मैं मेरा काम है इधर क्या चीज इसको क्या बोलना पड़ता है उसको, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ कि हाथी को मार दो उसका आइवरी निकाल लो, किसको क्या बोलते हैं, दैट इज माई ऑब्जेक्टिव। ठीक है, पर्ल्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय ऑयस्टर्स बोला था। सो देखो कितना ब्यूटीफुल लगता है ना जेमस्टोन देखने से ही, ये बहुत जगह पे मिलता है, अफ्रीका में भी मिलता है, बहुत सारा जियोलॉजिस्ट होने का ये मजा है, आप प्रॉपर ठीक ठाक देखोगे, बट आई सेट रखना है, इतना सुंदर ये पॉलिशिंग के बाद है, ऐसे ही मिट्टी में पत्थर में रहता है कितना सारा, सो मेनी टाइम्स आई कैन चैलेंज एवरी बॉडी ऑफ यू, एटलीस्ट वंस यू माइट हैव कम अक्रॉस विदाउट नोटिसिंग, यही मजा है। ठीक है, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देख लो जो जेमस्टोन को अलग से डिफाइन करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्यूटी एंड अपियरेंस, इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, कॉस्टली जो जेम्स का जेमस्टोन का इतना कॉस्ट क्यों है, ये उसका अपियरेंस इटसेल्फ उसका कीमत बोल देता है, बहुत सुंदर होता है ना दिखने में, ब्यूटीफुल होता है। सो ब्यूटी डिपेंड्स ऑन इट्स कलर साइज शेप स्पार्कल, ठीक है, ये सब कितना अच्छी तरह रोशनी देगा, ऊपर से लाइट जलने से, लाइट डालने से तुमको पता चलेगा कितना ब्यूटीफुल है, ये ग्लो करेगा अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग चमक देता है ना। सो इसीलिए दूसरा क्या है, ड्यूरेबिलिटी एंड हार्डनेस, ठीक है, दूसरा पॉइंट, ये चार पॉइंट को हमेशा याद रखना। इट मस्ट बी रेजिस्टेंस टू एब्रेशन, वरना तुम्हारा तो एक एक कीमती पत्थर स्टोन से अपना अंगूठा बनाया, दो दिन में खराब हो गया, या कुछ चेन बनाया, नेकलेस बना, कितना कुछ बना सकते हो, बट उसको तो ब्यूटीफुल के साथ साथ ड्यूरेबिलिटी हार्डनेस ये सब ही रहता है, ये सब उसका कॉस्ट को इंडिकेट करता है। अदरवाइज आजकल इमिटेशन ये सब क्या, वो भी आऊंगा, ठीक है, उसका क्या मतलब है। रेयरिटी थर्ड पॉइंट, रेयरिटी, ठीक है, ब्यूटी अपियरेंस ड्यूरेबिलिटी रेयरिटी, इतना अवेलेबल होने से कोई भी चीज़ का दुनिया में हर जगह पे ये सच है, कोई भी चीज़ ज़्यादा अवेलेबल होने से उसका वैल्यू नहीं रहता है। ठीक है, मेरा वीडियो भी मैं बहुत ज़्यादा डालने से उसका वैल्यू नहीं रहेगा, आप लोगों को भी शायद बोरिंग लगेगा। सो एनीवे, सो अदर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फैशन सुपरस्टिशियन, आजकल वो साधु कोई भी मंत्र पढ़ के बोलता है ना, इसको ये कैरेट का एक गोल्ड दे दो, ये एक सॉरी एक पत्थर दे दो, मून स्टोन दे दो, वो दे दो, कोरल दे दो,
लोग बिलीव करते थे उसका, मैं क्या सच है झूठ है वो बड़ा बात नहीं, बट है बस ठीक है। तो सोशल कस्टम्स बहुत रोल प्ले करता है जिम का, इसीलिए इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है ना, हेल्थ के लिए भी, सब चीज में है। कुछ कुछ पर्टिकुलर जिम बहुत यूजफुल होता है बोलता है, ठीक है। सिंस एंशियंट टाइम्स कलर्ड स्टोन्स हैव बीन बिलीव टू पोजेस इन, क्या है, एक मैजिकल पावर रहता है इसके साथ बोला जाता है, लोगों का फेथ है। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन इट इज नॉट ओनली एप्लीकेबल इन इंडिया, थ्रू आउट वर्ल्ड जो लोग गॉड बोलते हैं, जो लोग भगवान बोलते हैं, सभी लोग ही यूज करते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि हम लोग सुपरस्टिशियस है और वेस्टर्न वाला बहुत ज्यादा एडवांस है, ऐसा कुछ नहीं है। एनीवे सो नाउ जिम तो स्टोन समझने के पहले क्लासिफाई कितने टाइप का हो सकता है देखो, इसका बेसिस कर लो तब सुविधा होता है। इतना सारा स्टोन, 100 स्टोन है, तुम अलग अलग एक एक का तो अलग अलग एक्सप्लोरेशन करना पड़ेगा, ढूंढोगे कैसे? तो वो तो डिपेंडिंग अपॉन द आपको क्या ऑब्जेक्टिव उसके हिसाब से। बट एक चीज ध्यान रखो, तीन बेसिस बना लो। फर्स्ट बेसिस क्या है, बेस्ड ऑन टाइप्स, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इमिटेशन, सिंथेटिक। सो नेचुरली अकरिंग इसमें से क्या क्या हो गया, इनऑर्गेनिक तो नेचर में पहले से प्रोड्यूस हुआ जियोलॉजिकल प्रोसेस से, ऑर्गेनिक भी इनडायरेक्ट जियोलॉजिकल प्रोसेस, बट जियोलॉजी का नियम से जो ऑर्गेनाइज्म आया टाइम के स्केल से हिसाब से, और वो प्रॉपरली प्रिजर्व हुआ, जैसे कोराल है ना, इसका भी जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, लेकिन ये ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड। अभी रिजिम एम्बर बोल रहा था है ना, और अभी रिसेंट में आइवोरी, ये सब है वो बायोलॉजी हो गया, ठीक है। तो एनी वे दैट इज ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इमिटेशन एंड सिंथेटिक। सो इमिटेशन एंड सिंथेटिक में थोड़ा डिफरेंस है, वो भी आऊंगा, ठीक है। सो ये बेस्ड ऑन टाइप्स हो गया, बेस्ड ऑन मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। डिमांड जितना ज्यादा रहेगा और सप्लाई जितना कम रहेगा, वैल्यू उसका उतना बढ़ेगा। डिमांड ज्यादा सप्लाई बहुत कम, तो वैल्यू बहुत ज्यादा, सो प्रीसियस हो जाएगा, और थोड़ा बहुत सप्लाई बढ़ने से सेमी प्रीसियस होगा। और एक चीज है, हम लोग तो ढूंढेंगे कैसे, तो फिर ये तो हमारा मार्केट इकोनॉमिक एंगल से हो गया। दूसरा जियोलॉजिकल फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस से, जैसे केमिकल कंपोजिशन, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ऑप्टिकल कैरेक्टर्स, ड्यूरेबिलिटी, सो ये साइंटिफिक एस्पेक्ट से भी जेमस्टोन को अलग अलग करेक्टराइज कर सकते हो। दैट इज द क्लासिफिकेशन स्कीम, ये सब बेसिस में वेरियस क्लासिफिकेशन होता है। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैं तो बहुत ब्रीफ में जस्ट ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ। नाउ एक चीज देखो, डिफरेंस बिटवीन ट्रीटेड जेम्स एंड सिंथेटिक जेम्स, इसमें अभी प्रीवियस में बोल रहा था ना, ऑर्गेनिक इमिटेशन सिंथेटिक। नाउ देखो ट्रीटेड जेम्स स्टोन क्या है, और सिंथेटिक मतलब प्रोड्यूस ही हुआ आर्टिफिशियली। ट्रीटेड जेम मीन्स जो जेम स्टोन वैसे ऑर्डिनरी दिखने में है, लेकिन प्रॉपरली कुछ कुछ उसको प्रोसेसिंग करना पड़ता है। इट इज इम्प्रूव्ड बाय आर्टिफिशियल मीन्स, सच एज आर्टिफिशियल थोड़ा कलरिंग किया, थोड़ा स्टेनिंग किया, हीट ट्रीटमेंट किया, इरेडिएशन और स्पेशल स्पेशल माउंटिंग किया, ये सब डिजाइनिंग करके उसको और इम्प्रूव कर दिया। नेचुरली एग्जिस्ट करता है कुछ मटेरियल, उसको और सुंदर कर लिया। सो ये है क्या हुआ, ये हो गया ट्रीटेड। बट सिंथेटिक मतलब वो प्रोड्यूस ही हुआ एकदम आर्टिफिशियली इन ए लेबोरेटरी, ठीक है। वन वेल नोन सिंथेटिक जेम इज, उसका उदाहरण दे दो, आइसोमेट्रिक जार्कोनियम ऑक्साइड क्रिस्टल कॉल्ड क्यूबिक जार्कोनिया, ये नेचुरली ऑकर नहीं करता है। जार्कोनियम, जार्कोन ये सब नेचुरल है, लेकिन ये एक आइसोमेट्रिक जार्कोन क्या है ना, ये जार्कोनिया को नेचुरल लैब में सिंथेटिकली प्रोड्यूस होता है, बहुत सुंदर दिखने में होता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इमिटेशन जेम्स जो बहुत सस्ता में मिलता है ना, देखो सस्ता इमिटेशन बोलने से ही फर्स्ट प्रीसियस का अपोजिट हो गया ना, सस्ता वाला बोलते हैं, लेकिन देखने में क्या होता है, थोड़ा बहुत जेम स्टोन जैसा लगता है, नॉट एग्जैक्टली जैसे कि गोल्ड का भी गोल्ड टाइप का इमिटेशन रहता है ना, लेकिन जेम स्टोन जैसा दिखने में रिजेंबल है, बट ऑफकोर्स जिसका आँख है वो समझ जाएगा, बट फिर भी गरीबों का जेम स्टोन वही तो है। सो इमिटेशन आर कंपोज ऑफ इन्फेरियर मटेरियल्स such as glass, plastics, and are commonly referred to as costume jewelry, ठीक है।
मूवी बहुत सुंदर दिखता है, ठीक ठाक प्रॉपर देखने से लोग बोलते हैं ना, लड़की लोगों को ज्यादा पता होगा। नाउ एग्जांपल्स ऑफ प्रीशियस जेम्स, कॉस्टली जेम्स का कुछ एग्जांपल देखो, जैसे डायमंड, कार्बन का एक पॉलीमर है ना, डायमंड हाई प्रेशर में होता है। प्रीवियस वीडियो में मेटाबॉलिक कंडीशन में डायमंड भी बोला था ना, वेरी हाई प्रेशर में, कौन सा फेसिस में बनेगा, कौन सा फेसिस कंडीशन मेटाबॉलिक में, इक्लोगाइट ब्लूसिस वैसा जगह जगह पे ही तो बनेगा ना डायमंड, हाई प्रेशर कंडीशन जहाँ बनता है। ठीक, एनीवे, सो इमरल्ड, अभी फर्स्ट स्लाइड में इमरल्ड दिखाया था, ग्रीन कलर का स्क्वायर टाइप का, फर्स्ट स्लाइड में, तो वो क्या है, एक ग्रीन कलर टाइप का वेराइटी ऑफ बेरिल होता है, बेरिल है ना, हेक्सागोनल क्रिस्टल होता है ना, सो उसका क्या, बेरियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, SiO6 ना। फिर रूबी, रूबी क्या है, नथिंग बट वन टाइप ऑफ कोरांडम, जिसमें थोड़ा क्रोमियम मिक्स रहता है, ठीक, इंप्यूरिटी के हिसाब से बहुत सारा चेंज हो जाता है। देखो रूबी रेड कलर का जो दिखाया था, सैफायर ब्लू कलर का ब्यूटीफुल जो दिखाया, बोथ आर कोरांडम, दैट इज Al2O3 ओनली, बट इम्प्योरिटी के अलग अलग प्रॉपर्टी, अलग अलग प्रोपोर्शन से रहने से देखो कितना सुंदर होता है। रूबी रेड होता है, सैफायर ब्लू होता है, ठीक है, दोनों कोरांडम होता है। और अभी और एक कॉस्टली, फर्स्ट स्लाइड में अलेक्जेंड्राइट दिखाया था ना, वो भी वन काइंड ऑफ बेरिल है, जिसको क्राइसो बेरिल बोलते हैं। क्राइसो बेरिल और ये नॉर्मल बेरिल में क्या है, ऐसा ही नहीं रहेगा ना क्राइसो बेरिल में, ठीक है। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ जेम स्टोन देख लो, मैं डायरेक्ट रिटर्न मैंने थॉरली लिख दिया, बट तुम, मैं भूल जाता हूँ एक्चुअली, सब पॉइंट नोट कवर करना दिमाग में रख नहीं पाता हूँ, बोल के लिखता हूँ। एंड मोर ओवर आप लोगों का भी ये रेडीमेड हैंडेड एक्सरसाइज के लिए तो यूज हो ही जाएगा, ठीक है। तो देखो कलर, कलर तो जानते हो क्या है, कलर क्या है, इंटेंसिटी सैचुरेशन ह्यू ब्राइटनेस टोन, एक्चुअली कलर मतलब ये सभी का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। एक्चुअली अगर प्रॉपरली क्वेश्चन किया जाए, व्हाट इज कलर, लाइट ना, लाइट का कौन सा पोर्शन हमारा आंखों में आता है, दैट इज कलर। सो उसके लिए ह्यू, रेड इज ब्राउन, ब्राउन इज रेड, ये सब ह्यू। इंटेंसिटी मतलब जितना प्यूरिटी, सैचुरेशन डीप रेड है ना, ब्राइटनेस ब्राइट येलो, येलो लेकिन थोड़ा डल येलो, ये सब चीज होता है कलर को इंडिकेट करता है। टोन, टोन इटा थोड़ा डार्कर टोन, थोड़ा लाइटर टोन है ना। नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्सटेंसिवली स्टडी हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, अभी तो बोल रहा था, ऑप्टिकल मिनरोलॉजी का कोई भी इसमें घुसो देख पाओगे, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब कोई भी मिनरल का, कोई भी मटेरियल का, उसमें इसका लाइट का वेलोसिटी इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन दिस पर्टिकुलर मटेरियल है ना। सी ब्रिलियंस, ब्रिलियंस इंपॉर्टेंट ये नया टर्म है ना, टेंडेंसी ऑफ ए मिनरल टू स्पार्कल और रेडिएट, ठीक है, ट्रांसमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड लाइट आउटवर्ड्स इन ऑल डायरेक्शन। इसके ऊपर कोई लाइट डालोगे ना, ये ट्रांसमिट करने से भी चारों तरफ फैलाएगा, रेडिएट कराएगा, और जब रिफ्लेक्ट होगा वो भी ब्यूटीफुली चारों तरफ दिखेगा, ग्लोइंग टाइप का लाएगा। सो ये है स्पार्कल करता है एकदम, ठीक है, प्रोड्यूसिंग ए ब्रिलियंट डिस्प्ले ऑफ कलर एंड लाइट। डिस्पर्सन क्या है, डिस्पर्सन भी तो आपको पता है, जैसे कि हम लोग जो रेनबो होता है ना प्रिज्म में होता है, तो ये प्रिज्म का भी आर्टिफिशियल, सॉरी नेचुरली अलग वन काइंड ऑफ प्रिज्म का टाइप का भी जो रोल प्ले करेगा है ना। सो लाइट डालने से क्या होगा, कुछ कुछ जेम में लाइट स्प्लिट होकर अलग अलग सुंदर कलर का लाइट निकलेगा, लाइट को स्प्लिट कर देता है इट्स कॉम्पोनेंट में, कलर में ना, बेस्ड अपॉन द वेरिंग वेवलेंथ एंड वेराइटीज ऑफ लाइट। प्ले ऑफ कलर ये भी इम्पोर्टेंट है, नया टर्म है, इसीलिए इसको ब्लू रखा हूँ। देखो दिस एबिलिटी ऑफ सम एनाइसोट्रोपिक जेम्स टू डिस्प्ले मल्टीपल चेंजिंग कलर्स व्हेन सब्जेक्ट टू ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मल्टीपल कलर दिखाएगा ना एनाइसोट्रोपिक जेम। देखो अगेन ऑप्टिकल का साथ कितना रिलेशन है, मैं चाहता तो ये टॉपिक पहले ला सकता था लेकिन नहीं, हर चीज का एक टाइम है, मैं अपना एक एक वीडियो बहुत सोच समझ के ला रहा हूँ टाइम के साथ, ठीक है। सो इट इज एबिलिटी ऑफ सम एनाइसोट्रोपिक जेम्स टू डिस्प्ले मल्टीपल चेंजिंग कलर्स, एनाइसोट्रोपिक होना, आइसोट्रोपिक होने से तो चेंजिंग कलर नहीं होगा ना, ऑप्टिकल मिनरोलॉजी आप लोग तो देख रहे हो, ठीक है। फिर फोटोक्रोइजम,
प्लियोक्रोइज्म तो पता है, लेकिन फोटोक्रोइज्म क्या है? कलर चेंज अंडर डिफरेंट लाइटिंग कंडीशन। फॉर एग्जांपल सबसे इम्पोर्टेंट ये अलेक्जेंड्राइट से होता है, टाइसोबेरिल बोल रहे थे ना एक टाइप का, वो इट अपियर्स ग्रीन इन नेचुरल लाइट, सनलाइट में ग्रीन होगा, लेकिन जब इनकैंडेसेंट लाइट डालोगे ना ये रूबी जैसा रेड दिखेगा आर्टिफिशियल इनकैंडेसेंट लाइट में। ये क्या अजीब सा सुंदर कैरेक्टर है सोचो, इसीलिए इसका वैल्यू होता है। प्योरिटी मतलब इम्प्योरिटी कितना कम रहेगा उतना प्योर रहेगा, बबल्स नहीं रहेगा, ब्रेक डाउन नहीं, फ्रैक्चर होके कुछ मटेरियल घुसा है ऐसा टाइप का नहीं रहेगा, फ्रेश रहेगा। कट, हम लोग कटिंग करते ज्वेलरी तो बहुत सुंदर सुंदर स्लाइस में, हम लोगों का ये इटसेल्फ एक साइंस है, फिजिक्स है ना, क्रिस्टलोग्राफी जानना है कैसे कट करने से वो ब्यूटीफुल दिखेगा, सब चीज का ये रहता है, सिमेट्री जानता है वो लोग है ना, इतना इजी नहीं है। सो इट इज ए मैनर इन विच ए ज्वेलर स्लाइस जेम्स टू एनहेंस ब्यूटी एंड इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी लस्टर ब्रिलियंस। ठीक है, नाउ इसको आप कभी भी रुक के देख सकते हो, लेकिन मैं जस्ट ब्रीफली बोल देता हूँ। देखो इतना टाइप का जेम तो याद ही रख लो, ये बहुत, ये सबसे ज्यादा कॉमन है। पर्ल्स, पर्ल्स क्या है? नथिंग बट एरागोनाइट है ना, मुक्त तो बोलते हैं हम लोग, पता नहीं तो आप लोग भी वही मोती बोलते हैं ना। सो कैल्शियम कार्बोनेट ऑनली, सोचो ऑर्गेनिकली डिराइव्ड एरागोनाइट का, वो जो ओएस्टर का शेल के अंदर मिलता है। बेरिल, इसका बहुत सारा वैरायटी रहता है। देखो बेरिल का सबसे कॉस्टली वाला क्या है? इमरल्ड है, क्रोमियम ग्रीन वाला है ना, ठीक है। एक्वामरीन है ब्लू कलर का, हेलियोडोर है येलो कलर का, ठीक है। तो ये सब बेरिल है, ठीक है। कोरल नाम का क्या है? Al2O3 वाला, देखो रूबी एंड सफायर। रूबी क्या है? रेड है, सफायर ब्लू है, ठीक है। इमरल्ड क्या है? ग्रीन है, एक्वामरीन ब्लू है। हेलियोडोर उतना थोड़ा अनकॉमन है, हम तो कम सुना हूँ, येलो कलर का। अलेक्जेंड्राइट तो बहुत फेमस है, रेड कलर चेंज करता है वो, क्राइसोबेरिल है मेनली, ठीक है। कैट्स आई येलो ग्रीन ब्राउन कलर का होता है, बिल्ली का आग जैसा दिखेगा, सच में दिखता है वैसा टाइप का है। डायमंड तो जानते हो, ठीक है। गार्नेट, गार्नेट का तो एक ग्रानेट तो ग्रुप है, तो ग्रानेट हाई प्रेशर कंडीशन में जो सब ग्रानेट बनता है ना वो ज्यादा ब्यूटीफुल होता है, ठीक है। डेमांट्रोइड, बट ये सब नाम स्पेसिफिक ओनली ओवरऑल ग्रुप के नाम से लोग ज्यादा जानता है, ठीक है। ये सब जेम वैरायटी, अल्मंडाइन, पाइरो, स्पेसर्टाइन, रेड। तो जेम में और एक देखो, सोडियम बेयरिंग पाइरोक्सिन रहता है, जेडाइट, जेड बोलते हैं उसको, ठीक है। लाजुराइट, मैलाकाइट, कॉपर का जो होता है, माइक्रोक्लिन, ये बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है। ओलिविन, प्लाजियोक्लेस, क्वार्ज, क्वार्ज का लेकिन कुछ कुछ वैरायटी बहुत कॉमन, मतलब नाम मतलब फेमस है, जैसे एगेट, एमिथिस्ट, एवेंचुराइन, जैस्पर, ठीक है। देखो कितना सारा वैरायटी, मेरा एक चार्ट का बारे में पेपर है, आप चाहे तो रेफर कर सकते हो। मैं फर्स्ट टाइम चार्ट का क्लासिफाई किया, चार्ट का भी क्लासिफिकेशन होता है, वे स्पेशली प्रीकैम्ब्रियन चार्ट को किया था। सिट्रीन, मोस एगेट, ये सब बहुत सारा, ऑनिक्स, बहुत सारा टाइप, स्मॉलर क्वार्ज का ही है, डिफरेंट टाइप का क्वार्ज का क्रिप्टोक्रिस्टलाइन वैरायटी रहता है, अलग अलग टाइप का वैरायटी रहता है। फिर मैंगनीज कार्बोनेट को रोडोक्रोसाइट बोलते हैं, पिंक कलर होता है, वो भी जिम के हिसाब से यूज होता है। सोडा लाइट, ठीक है, लेफिलिन का ही ये होता है ना। स्पिनेल, टोपाज, टूरमालिन, ट्रेमोलाइट, एक्टिनोलाइट, कितना कुछ होता है। देखो जर्कन होता है, डायमंड लाइक जो आर्टिफिशियली भी एक अभी दिखा रहा था ना, ये है नेचुरल Zr-SiO4, ठीक है। जोएसाइट होता है, वायोलेट कलर का होता है, इसी को तंजानाइट बोलते हैं, वायोलेट ब्लू कलर का एक स्पेशल वाइट, वो तंजानिया में मिलता था, जोएसाइट है वो। लो जोएसाइट कौन सा कंडीशन में बनता है? एपिडोट, क्लाइनोजोएसाइट, ये सब ग्रीनस्टोन बेल्ट, फिर मोबाइल बेल्ट में भी मिलता है ना। एनीवे अभी देखो एक चीज है, मेटल दैट कॉमनली प्रोवाइड वाइब्रेंट कलर टू जेमस्टोन, ये सब मेटल का इम्प्यूरिटी रहने से ही होता है, जैसे क्रोमियम, रूबी, इमराल्ड, पाइरोप, ग्रोसुलर, उबर वाइट, ये सब में क्रोमियम का थोड़ा बहुत करके अलग अलग प्रोपोर्शन में इम्प्यूरिटी रहता है। जैसे कॉपर रहने से डायोप्टेज, मैलाकाइट, एजुराइट,
आयरन ऐसा आता है कहाँ कहाँ, सैफायर में, एक्वा मेरिन, ओलिवीन, अल्मांडाइन, गार्नेट, अमेथिस्ट, क्वार्ट्ज इसमें, ठीक है, मैंगनीज भी रहता है कुछ कुछ में, वैनाडियम रहता है, टाइटेनियम रहता है, सब ब्लू सैफायर अलग अलग का इम्प्योरिटी से सुंदर बनता है। और एक चीज जस्ट जान लो, एसिकुलर है, फाइब्रस जेम होता है ना, टाइगर्स आई, फिर कैट्स आई, अभी क्राइसोबरिल बोल रहे थे, इसको जो प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं कैटवाई, कैटुएंसी, जैसे बावेंसी वैसे कैटुएंसी, ठीक है, विच इज ए ट्रांसलूसेंट प्ले ऑफ येलो, ऑरेंज, ब्राउन एंड ग्रे कलर। प्ले ऑफ कलर मतलब एक ही इससे अलग अलग कलर का रोशनी बहुत सुंदर दिखेगा, ठीक है, जगमगाएगा। ओपल क्या है, अभी बोल रहे थे ओपल डिस्प्ले, इसको देखो ओपल का एक अलग है, मादर ऑफ पर्ल बोलते हैं ओपलेसेंस, ये ओपलेसेंस भी एक प्ले ऑफ कलर है, प्ले ऑफ कलर करेक्टराइज बाई इंटरमिंगल्ड रेनबो लाइक असॉर्टमेंट ऑफ ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड ब्लू, ठीक है, सो ओपालसेंट बोलते हैं, ओपाल से जो निकलता है, ठीक है। तो देखो हर चीज ब्रॉडली कवर कर रहा हूँ। फाइनली रोल ऑफ एक्सप्लोरेशन जियोलॉजिस्ट, ये सब करके बीइंग ए जियोलॉजिस्ट कौन ढूंढ के निकलता है, इतना सुंदर आपको अब तक पहुंचता है जियोलॉजिस्ट के द्वारा, है ना। तो जियोलॉजिस्ट क्रूशियल रोल प्ले करते हैं जेमस्टोन एक्सप्लोरेशन में, हालांकि इसमें डिटेल नहीं जाऊंगा, इंडिविजुअल अलग अलग जेम का अलग अलग एक्सप्लोरेशन होता है ना, लेकिन ओवरऑल ये मैं फटाफट जॉट डाउन कर दिया, आप चाहे तो कभी भी ले सकते हो, इतना सारा स्टेप फॉलो होता है इन जनरल, प्रोस्पेक्टिंग, साइट सिलेक्शन पहले, फिर बेसिक पेट्रोलॉजी मिनरोलॉजिकल थोड़ा असेसमेंट करना है, फिर कौन कौन जगह का नैरो डाउन कर रहा, उसका रिमोट सेंसिंग जियोफिजिक्स करके सोच लो क्या है, फिर सैम्पलिंग स्टार्ट करो, मेन एनालिसिस करो, फिर डिटेल मैपिंग, डॉक्यूमेंटेशन, प्लानिंग, बोरहोल, प्रॉपर टारगेट जनरेशन, एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग, रिसोर्स एस्टिमेशन, ये रिसोर्स नॉट रिजर्व, रिसोर्स एस्टिमेशन, रिजर्व एस्टिमेशन का भी मेरा फुल सीरीज है, सब सरफेस कोड लॉगिंग, सैम्पलिंग, 3D मॉडलिंग, इवोल्यूशन रूलिंग, देन रिजर्व एस्टिमेशन विथ एनहांस डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस, EFG क्लासिफिकेशन बोला था ना UNFC का, उससे आपको रिजर्व कन्फर्म जब होगा 111, तब आप टोनेज फैक्टर ग्रेड ये सब कुछ कन्फर्म कर पाओगे, देन माइनिंग स्टार्ट होगा, फिर माइनिंग के पहले क्या कोलाबोरेशन विद अदर एक्सपर्ट्स एंड हैंडिंग ओवर टू द माइनर्स, यहाँ जाके जियोलॉजिस्ट का, इवन माइनिंग का भी स्टेज में भी जियोलॉजिस्ट का कुछ कुछ जगह पर अलग टाइप का रोल रहता है। सो जब फाइनली ये देखो एक कोलोराडो जियोलॉजिकल सर्वे का साइट में भी रहता है, देखो कितना सुंदर दी सर, जस्ट आपका आईस के आई सूदिंग, आई कैचिंग कुछ चीज रखा हुआ, ये सब डायमंड है, देखो एक्चुअल डायमंड रॉक ऐसा होता है, देखो जस्ट निकल के लेके आएगा, इसके बाद कटिंग फटिंग जो भी होगा, ठीक है, ये म्यूजियम में है, ये भी देखो इसको अमेजोनाइट बोलते हैं, वन काइंड ऑफ माइक्रोक्लिन, माइक्रोक्लिन क्या है, माइक्रोक्लिन एक टाइप का फेल्सपार है, ठीक है, ऑर्थोक्लेस, माइक्रोक्लिन, ये सब फेल्सपार होता है, ठीक है, पोटास फेल्सपार। और ये क्या है, ये एक्वामेरिन है, एक्वामेरिन क्या है, बेरिल का वेराइटी बोल रहे थे ना, ये भी एक्वामेरिन है ना, और ये क्या है, ये है रोडोक्रोसाइट MNCO3, ठीक है, देखो कितना अच्छा कलर है। नाउ जस्ट आपको खुशी के लिए फाइनल देख लो, हर जितना पॉसिबल जिम को मैं एक जगह रखो आपका आंखों का सुकून के लिए, ये अलेक्जेंड्राइट, ये एम्बर फॉसिलाइज्ड, देखो इसके अंदर फॉसिल है, कुछ मच्छर या कुछ फ्लाई इंसेक्ट्स था, उसी में रेजिन में डूब के मर गया, वैसा ही फॉसिल हो गया, ये दिस इज फॉसिल। फिर अमिथिस्ट, एमेट्राइन, एक्वामेरिन, सिट्राइन, डायमंड, फैंसी कलर डायमंड, इमरल्ड, गार्नेट, मूनस्टोन, ठीक है, लाजुली, कुंजाइट, जेड, आयोलाइट, देखो कितना टाइप का है, मोर्गिनाइट, ओपल, ओपल इसको बोलते हैं ओपलेसेंट, अभी बोल रहे थे ना, ठीक, मादर ऑफ क्या बोल रहे थे, ओपलेसेंट को मादर ऑफ क्या, ये देखो मादर ऑफ पर्ल, ठीक है, ओपल से आता है, इसी को मदर ऑफ पर्ल बोलते हैं, पर्ल जो पर्ल का माँ ऐसा टाइप, ये पर्ल है। फिर पेरीडोट, रोज क्वार्ट्ज, तंजानाइट, ये जो है साइट है ब्लू कलर का, देखो कितना सुंदर, सनस्टोन, स्पिनेल, सैफायर, रूबी, दोनों कोरंडा में वन का वेल टू, टोपाज, टूरमलिन, टर्कोइज, जरकोन, जेडर ऐसा ही होगा, ठीक है। So these are the overall glimpses of gemology. I hope you must have enjoyed. Thank you.